तोचू ठीक सैचू ठीक मैं प्रार्थना आज ले चलूंगी आपको एक ऐसी दुनिया में जिसे धरती का स्वर कहा जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, बिल्कुल सही पहचाना है आपने। मैं बात कर रही हूँ कश्मीर की, जिसकी सुंदरता सभी के आकर्षण का केंद्र है। ऐसा लगता है मानो इसकी सुंदरता को ईश्वर का कोई वरदान प्राप्त है। चारों ओर फैली हरियाली इसकी सुंदरता में चार चांद लगाती है, तो वहीं दूर दूर फैली बर्फ की चादर से ढकी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला इसके सर का ताज है। और यही अगर मैं बात करूं पानी में बहते हुए शिकारों की तथा नदियों व झीलों के ताप व उनके झरने सभी के आकर्षण का केंद्र है और वे सभी को आनंद में कर देते हैं और जन्नत का एहसास कराते हैं। अजी जनाब कहाँ खो गए, अब क्या वादियों में ही खोए रहेंगे या फिर कश्मीर के मेहमान नवाजी का भी लुत्फ उठाएंगे? कश्मीर के मेहमान नवाजी के तो कहने ही क्या। यहाँ पे सभी एक साथ बैठकर दस्तरखाने पे सजे सभी लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाते हैं। तो चलिए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ कश्मीरी दावत पर, और जरा इन दस्तरखाने पर सजे लजीज व्यंजनों का लुत्फ उठाइए। ये देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कश्मीरी पुलाव के बारे में। जी हाँ, कश्मीरी पुलाव, क्या आप इसे देख रहे हैं? ये खास तौर से दूध, मेवे व अन्य ड्राई फ्रूट से बनाया जाता है। और इधर तो देखिए, अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है? जी हाँ, ये खुशबू आ रही है पनीर चमन से। क्या आप इसका रंग देख रहे हैं? क्या आप जानते हैं इसे दूध व क्रीम से बनाया जाता है? इधर भी तो देखिए ये क्या है? ये है साग, कश्मीरी साग। अब इसका गहरा हरा रंग देख रहे हैं? मुझे तो इसके गहरे हरे रंग को देख के कश्मीरी की हरियाली की याद आ गई, आपको भी आ गई होगी ना। अब ये देखिए ये क्या है? ये है कड़ी, कश्मीरी कड़ी। इसके तो कहने ही क्या, इतनी लजीज होती है बस क्या ही बताऊं मैं आपको। ये देखिए ये क्या है, जरा इनका स्वाद भी तो चखिए, जरा चखे तो बताइए कश्मीरी राजमाओं का स्वाद। देख रहे हैं ना कितने खिले खिले हैं ये। ये देखिए, अब आप इन्हें देख रहे हैं, ये है कश्मीरी दमालू। क्या आप जानते हैं इन्हें खास तौर से तलकर व सोड़कर बनाया जाता है? खुशबू तो लीजिए जरा इनकी, सुगंध देख रहे हैं, स्वाद में तो लाजवाब है ये। अब खाने की बात तो हो गई, लेकिन इनके साथ परोसे जाने वाले जरा नान और खमीरी रोटी की तरफ भी तो देखिए। जी हाँ, खमीरी रोटी, इसे देख के तो सभी के मुंह में पानी आ जाता है, लगता है आपको भी भूख लग गई है। परंतु अब सारा लुत्फ इसी में नहीं उठाना है, जरा मीठे के तरफ भी तो अपना ध्यान दीजिए। जी हाँ, ये है कश्मीर की सबसे पारंपरिक मीठी डिश। जी हाँ, फिरनी, फिरनी ही है ये, जो एक बार खाए वो बार बार चाहे। और इसके साथ में जरा हलवे का भी तो लुत्फ उठाइए, देख रहे हैं ना आप इन्हें, और जरा इन पे सजे ड्राई फ्रूट्स को तो देखिए, लगते हैं आपका भी मन ललचा गया है। अब ये सब तो बात हो गई, परंतु खाने के बाद हाजमा का भी तो होना जरूरी है ना। अब उसके लिए ये लीजिए, ये है, ये रंग में तो गुलाबी होती है परंतु ये स्वाद में नमकीन होती है। सोचिए सोचिए, जी हाँ बिल्कुल सही पहचाना है आपने, ये है कश्मीर की मशहूर गुलाबी चाय। और ये ना ही सिर्फ आपको पूरे दिन तरोताजा रखती है परंतु साथ ही साथ आपका जोश भी बनाए रखती है। शुक्रिया, शुक्रिया आप सभी का इस दस्तरखाने पर सजे व्यंजनों का आनंद लेने के लिए शुक्रिया। यूं तो कश्मीर की सुंदरता व उनके पारंपरिक भोजन को शब्दों में बयां करना थोड़ा कठिन है, परंतु फिर भी मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि कश्मीर की वादियाँ और भोजन है लाजवाब। जन्नत है धरा की हर कोई खो जाता है जनाब। मोहित कर देती इसकी सुंदरता दिल हमारा जीत लेती। कश्मीर की सुंदरता वो भोजन हमको आनंद में कर देती। शुक्रिया।